40 के भी है, ये टाटा का है, इंजन टाटा 709 का है, महिंद्रा के भी है, महिंद्रा का ये 22 हॉर्स पावर है, टाटा का इंजन है, टाटा 407 का 39 हॉर्स पावर का ये भी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना भाई नीतीश। दोस्तों आज मैं आपके अपने ज़िले देवरिया में आ पहुंचा हूं और देवरिया में आप लोग को आज जनरेटर का कलेक्शन लेकर आया हूं। यहां पर हमारे बैकग्राउंड साइड में देख सकते हैं हाई क्वालिटी की सारी जनरेटर लगी हुई हैं। क्या डिटेल रहेगा आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सब कुछ बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे और फीचर भी बताएंगे कि जनरेटर में क्या फीचर्स मिल रहा है, तो बने रहिए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आरके मशीनरी स्टोर के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। पहले तो आपको नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार सिंह। अच्छा मनोज भैया जी, ये बताइए आपके यहाँ कौन कौन सा जनरेटर मिल जाता है? 10 KVA से लेकर के और 250 KVA तक मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, सारा ब्रांड रहता है? सारा ब्रांड नहीं रहता है, महिंद्रा और किलोस्कर और ये टाटा। अच्छा, तीन ब्रांड आप सेल करते हैं? अच्छा अच्छा, हमारे पास एक जनरेटर है, शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर हम जान लेते हैं। देवरिया पूर्वा चौराहा GI स्टेट देवरिया। अच्छा नंबर एक बार बता दीजिए। 9839352323। अच्छा दोस्तों, ये मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको जनरेटर लेना हुआ तो आप यहाँ पर आइए, सबसे बेहतर तरीका, आप यहाँ पर विजिट करिए, देखिए, फिर उसके बाद ले जाइए। हाँ बिल्कुल वो सही रहेगा। हाँ, कहाँ तक आप डिलीवरी कर सकते हैं? पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा UP डिलीवरी है। हाँ। हमारे पास से कौन सा जनरेटर भैया पहले दिखा रहे? 20 KVA है, महिंद्रा का। अच्छा महिंद्रा का 20 KVA। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जनरेटर हैवी क्वालिटी का है। कितना लीटर इसमें डीजल पड़ता होगा? 50 लीटर। 50 लीटर का टंकी है। स्टार्टिंग का पॉइंट कहाँ पर दिया हुआ है? स्टार्टिंग का पॉइंट इधर दिया हुआ है, वो ऊपर। अच्छा अच्छा, बस वो अंकल जी क्या शो करता है जो ऊपर दिया गया है? वो बैटरी का दिखाता है और टेम्परेचर दिखाता है। अच्छा बैटरी और टेम्परेचर दिखाता है। इंजन कितना हैवी होगा? इंजन ये है 30 हॉर्स पावर का। अच्छा 30 हॉर्स पावर का इंजन है, ठीक है। क्या लोडिंग रहता होगा इस जनरेटर का? 20 KVA का है। अच्छा 20 KVA का है। क्या इसका प्राइस होने वाला है? प्राइस 1,25,000 रुपये। 1,25,000 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा जनरेटर है? ये 40 KVA। कौन सा ब्रांड है ये? टाटा का है। टाटा का है। इंजन की बात कर लीजिए। इंजन टाटा 709 का है। अच्छा और फ्यूल कितना होगा इसका? फ्यूल इसका 2 लीटर से 5 लीटर तक। तो 2 लीटर से 5 लीटर। हाँ पर घंटा। अच्छा अच्छा, इसे आप लोग जैसे कारखाना वगैरह में लगाना हुआ, ऑफिस में लगाना हुआ, या आप छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए भी यूज करते हैं? हाँ हाँ, कहीं भी यूज करिए जी जी, मतलब बिजनेस के लिए एक बढ़िया चीज़ है। हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। क्या इसका प्राइस होने वाला है? प्राइस 1,60,000 रुपये। अच्छा इसका 1,60,000। कुछ कम होगा कि मतलब वही? कम नहीं है, फिक्स है। फिक्स प्राइस है। अच्छा अच्छा, कम ही बताया जा रहा है वीडियो में आप लोगों को। प्लस हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा जनरेटर है? ये भी 40 KVA है। कौन सा ब्रांड है ये? भी टाटा का ही है, सेम है दोनों। अच्छा ये सेम है दोनों है। बिल्कुल, इसमें गारंटी वगैरह भी कुछ मिलेगा? गारंटी 1 साल का होता है। अच्छा 1 साल का गारंटी मिलता है, ठीक है। गारंटी में जैसे बात कर ली जाए, बदल के दिया जाता है कि क्या? नहीं, अल्टरनेटर बदल के दिया जाता है, इंजन अगर ख़राब होता है तो वो बनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा कुछ फीचर होता है। चलिए ये सेम है, इसका भी प्राइस कितना होने वाला है? 1,60,000। अच्छा 1,60,000। फ्यूल तो बराबर ही होगा? बराबर है, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट जनरेटर की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा जनरेटर अंकल जी? ये 30 KVA है। अच्छा 30 KVA। इसके टंकी की बात करिए, फ्यूल टंकी की? 50 लीटर की। 50 लीटर की है। इंजन की बात करिए? इंजन टाटा का है, टाटा 407 का। कितने हॉर्स पावर का होगा ये? 39 हॉर्स पावर। 39 हॉर्स पावर का, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग बहुत ही शानदार मिलने वाली है जनरेटर में, और इस जनरेटर को आप हैवी जगह पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें प्राइस की बात कर ली जाए तो कितना? 1,30,000 रुपये का। 1,30,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट जनरेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये अच्छा, ये महिंद्रा का मिलने वाला है। कितने हॉर्स पावर का होगा ये? ये भी 39 हॉर्स पावर। ये भी 39 ही है, ठीक है। इसमें फ्यूल की बात कर लीजिए, फ्यूल टंकी कितने की? 50 लीटर की। ये भी 85 लीटर की मिलने वाली है। अच्छा बाकी KVA के कितने हैं? 30 KVA। 30 KVA का है, ठीक है। क्या प्राइस होने वाला है?
प्राइस 1,70,000 रुपये। 1,70,000 में आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर आकर विजिट करेंगे, देखेंगे तो वो चीज़ आपके लिए और बेहतर होने वाला है। बाकी नेक्स्ट जनरेटर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा जनरेटर है? 15 KV है, महिंद्रा का। अच्छा, 15 KV महिंद्रा का है। कितने हॉर्स पावर का है ये? कौन सा ये? हाँ ये 22 हॉर्स पावर। अच्छा ठीक है। फ्यूल टंकी 50 लीटर की इसकी भी है? हाँ इसकी भी 50 लीटर। अच्छा सेम ही मिलने वाला है। इसका क्या प्राइस है? 1,10,000। 1,10,000 ठीक है। बाकी नेक्स्ट जनरेटर हमारा ये आखिरी जनरेटर है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा सिस्टम समझा दीजिए अंकल जी, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो लोगों को। ऑन ऑफ का थोड़ा सा सिस्टम इसमें समझा। ऑन ऑफ का ऑफ करने के लिए यहाँ से खींच दीजिएगा बंद हो जाएगा, वहाँ से चाबी मारिएगा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ये हैंडल वाला प्रोसेस तो नहीं? नहीं हैंडल से नहीं। अच्छा अच्छा हाँ। ये सब ऑनलाइन वो क्या होता है, बिजली वाला प्रोसेस? बिजली वाला प्रोसेस। अच्छा अच्छा ठीक है। बटन वाला सारा? हाँ बटन वाला, चाबी वाला है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका क्या डिटेल होने वाला है, कितने हॉर्स पावर का? 30 KV का है। अच्छा टाटा का इंजन है, टाटा 407 का। अच्छा कितने हॉर्स पावर का है ये? 39 हॉर्स पावर का ये भी है। ये भी 39 हॉर्स पावर का वाला। बाकी आप जनरेटर का जनरेटर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू फिनिशिंग कंडीशन में मिल रहा है। 50 लीटर की टंकी है ना? 50 लीटर की टंकी। अच्छा क्या इसका प्राइस होने वाला है? 1,30,000। 1,30,000 ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इस जगह पे आते हैं तो आपको यहाँ पर जो रेट बताया गया उसी रेट में दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर यदि आप विजिट करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। प्लस यहाँ पर इसका ये भी देख सकते हैं, ट्रॉली वगैरह पर भी खींच सकते हैं। मतलब यदि ले कहीं भी लेकर जाना चाहें तो सबसे आसान तरीका है ट्रॉली वगैरह या किसी भी गाड़ी खींच के, किसी भी गाड़ी से खींच के ले जा सकते हैं जी। एक बार फिर से जाते जाते यहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दीजिए। एड्रेस पूर्वा चौराहा जी, GI एस्टेट देवड़िया। अच्छा मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9839323209। ठीक है। तो दोस्तों इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सब्सक्राइब करें नीतीश त्रिपाठी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट मार्केटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।